कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद देर शाम एक कार्यक्रम में थे। कार्यक्रम था जैसलमेर के भनियाना में। एक प्राइवेट स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था और मंत्री सालेह मोहम्मद कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे थे कि इसी दौरान जो हुआ उसने मंत्री जी के होश उड़ा दिए। एक पल के लिए तो मंत्री जी की जान सांसद में अटक गई। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए क्या होता है। दरअसल होता यह है कि कार्यक्रम के दौरान एक सपेरा भी अपना खेल दिखा रहा होता है। पब्लिक के साथ मंत्री सालेह मोहम्मद भी सपेरे के खेल का खूब मजा ले रहे होते हैं कि इसी दौरान सपेरा जोश में आकर एक बेवकूफाना हरकत कर बैठता है। खेल दिखाते दिखाते वो मंत्री जी के गले में ही सांप डालने लगता है, वो भी एक नहीं दो दो कोबरा सांप। सपेरे के इस हरकत से मंत्री जी बुरी तरह घबरा गए, उनकी हालत खराब हो गई। सालेह मोहम्मद घबराए घबराए उठे और सपेरे से बचने की कोशिश की। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी भी फौरन हरकत में आए और सपेरे और उसके सांप को मंत्री जी से दूर किया। सपेरे के इस हरकत से मंत्री सालेह मोहम्मद पहले तो डर गए थे, उनके हाथ पांव फूल गए। फिर उन्हें भी लगा कि कार्यक्रम में सपेरा थोड़ा जोश में आ गया और उसने ये हरकत कर डाली। इसके बाद सपेरे ने फौरन ही सालेह मोहम्मद के पैर छूकर माफी मांगी और मंत्री जी ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए उन्हें माफ कर दिया। बहरहाल ये एक कार्यक्रम के दौरान छोटी सी हंसी मजाक की बात हो सकती है, लेकिन ये राजस्थान के एक कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक भी है। अब राजस्थान पुलिस को नजर रखनी चाहिए कि किसी और मंत्री के साथ ऐसी घटना ना हो जाए। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।